क्योंकि कल सुबह हम दोनों वहीं से उत्तरकाशी जाएंगे अल्ट्रासाउंड कराने, क्योंकि वहां से ना गाड़ी पास में है, तो यहाँ से ना काफी कितना तो मेहनत ना है। तो चलिए दोस्तों, मैं ना जाने भी लग गई हूँ और मेरे को ना बहुत ज्यादा याद आ रही, क्या ही बता दो कि इस टाइम पर ना मैं ज्यादा दादी जी के साथ रही हूँ, तो थोड़ा ना अजीब सा लगता ही है जब ना कोई अपने, और मैं माँ और गंगा से ना इसी कारण से पहली आ गई हूँ क्योंकि वो देर में आएंगे, तब तक ना दोस्तों मैं जा रही हूँ सड़क के रास्ते, और अभी ना मेरे को पतिदेव का फोन आया। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम है ज्योतिका नोटियाल, मेरे ब्लॉग का नाम है ज्योतिका नोटियाल ब्लॉग। अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन की 1 बजे से। स्वागत करती हूँ आप लोगों का बागी ब्रह्मपुरी गांव के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी मौसम की बात करें तो आज ना बहुत तेज धूप लगी हुई है और आसमान पे देखो कहीं पे भी बादल नहीं लगे। बाकी दोस्तों आज वीडियो की शुरुआत हो रही है खेत से, क्योंकि मैं और गंगा ना खेत में आ रखे हैं घास काटने। गंगा भी ना अभी अभी आई है स्कूल से, तो ये खेत ना हमारे मकान के पास है, बुढ़ी लोगों ने दे रखा हमारे पास घास काटने के लिए, यानी कि गांव में बुढ़ी जी है, तो आजकल ना इस खेत में रोज काट रहे घास। जब तक ना खेत खाली नहीं होगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं इस खेत को। और यहाँ पर ना गंगा पुली भी बांधने लग गई है, और वीडियो की शुरुआत ना इसी कारण देर से हो रही आज, क्योंकि अभी तक ना मैंने स्नान किया है और मेरे को ना इतने ज़्यादा जुखाम लगी हुई है क्या ही बताना, और जुखाम के कारण ना मेरे को सर दर्द भी हो रहा है। और दादी जी भी ना आज मैंने घर पर रखी हुई है, दादी जी को ना आज मैंने बहुत ज़्यादा मनाया है कि आज मत जाना जंगल, क्योंकि आज ना मैं दादी जी के साथ लास्ट दिन हूँ, क्योंकि आज जा रही हूँ मैं कमद वाले घर पर, यानी कि नए वाले घर पर। आप सभी लोगों को ना एक खुशखबरी भी सुनाती हूँ, कमद वाले घर पर ना आज मेरे पतिदेव आ गए हैं मुझे लेने, तो शायद ना मैं हरियाणा भी जा सकती हूँ। तो वो ना सुबह आ गए थे नए वाले घर पर, तो अभी तक ना मैंने थोड़ा बहुत कपड़े धुले, स्नान किया, तो मैंने बोला कि बाद में जाऊँगी जब ना गंगा भी जाएगी। तो फिर दादी ने कहा है कि पहले ना घास काटना उसके बाद चले जाना दोनों। तो दादी जी ना आज मेरे साथ लास्ट दिन है, और दादी जी की ना काफ़ी ज़्यादा याद आएगी, यानी कि सभी लोगों की ना मायके वालों की बहुत ज़्यादा याद आएगी, क्योंकि इस बार ना मैं मायके में बहुत ज़्यादा रही हूँ, यानी कि शादी के बाद ना मैं इस टाइम पर रही हूँ ज़्यादा मायके में। और यहाँ पर देखो गंगा ने ना 4 पूरी घास भी काट दी है, 3 पूरी है गंगा, इसने 3 पूरी घास भी काट दी है। गंगा मेरी याद कितनी आएगी, बहुत आएगी, झूठ बोल रही। और दोस्तों अभी आ रखी हूँ मैं पेड़ के छांव के नीचे, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत प्यारी ठंडी हवाएं चल रही है, क्योंकि उधर साइड ना बहुत धूप लग रही है। तो मेरे ना हरियाणा जाने का अचानक से ही पलायन बना है, यानी कि पतिदेव को ना 2-3 दिन हो गया है नेपड़ में आके, तो आज ना अपने ससुराल आ गई है कमद में। तो मैंने यहाँ पर भी बुलाया उनको, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहे हो, क्योंकि कल सुबह हम दोनों वहीं से उत्तरकाशी जाएंगे अल्ट्रासाउंड कराने, क्योंकि वहाँ से ना गाड़ी पास में है, तो यहाँ से ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है जाने में, क्योंकि आजकल नदी भी आ रखी है, नहीं तो नदी के रास्ते से जाना था, क्योंकि नदी का जो रास्ता है ना वो शॉर्टकट पे पड़ता है। तो आजकल ना जिस रास्ते से माँ और यानी कि माँ लोग जा रहे हैं वो ना दूर का रास्ता है, जब वहाँ पर घर है तो वहीं पर ना चली जाती हूँ।
करी तो ये दोनों भी ना यहाँ पे आराम से धूप सेक रहे हैं, क्योंकि कल ना सारे दिन भर बारिश हुई और आज बहुत तेज धूप लग रही। आज ना दादी जी बहुत दिनों बाद घर पर रुकी हुई है, तो दादी मैं ननू अभी मेरी हाथ में उड़ते हुए और धूप में ना दादी जी ने घास भी सुखाने डाल दिया है, क्योंकि कल कल आ रखा था घास और पूरा गीला हो रखा था बारिश का, तो इसी कारण से ना आज धूप में डाल दिया। और इधर साइड देखो थोड़ा सा धान भी डाल रखा है। तो चलिए दोस्तों अभी शाम की 3 बज गई है, यहाँ पर ना मैंने दोनों बछड़ी अंदर भी बांध दिए गाय की। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बता रखा था कि मैं कमक जाने वाली हूँ, तो दिन में ना मैं इसी कारण से नहीं गई हूँ, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा जुकाम भी लगी हुई, ऊपर से ना सर दर्द भी हो रहा है और धूप भी लगी हुई आज बहुत तेज, तो मैं अभी नहीं गई हूँ। अब थोड़ी देर में जाऊँगी शाम को जब ना धूप चली जाएगी। गंगा और मैं ना शाम को जाएंगे नई वाले घर पर, क्योंकि दिन में ना धूप लग रही थी और अभी भी लग रही धूप, और गंगा ने इसी कारण से नई वाले घर पर जाएगी क्योंकि वहीं से ना स्कूल जाएगी। और कन्या और यमुना जा रखी है दीदी जी के ससुराल, क्योंकि वहां पर ना आज आरुषि का बर्थडे है, तो सभी लोग ना आरुषि के बर्थडे के लिए ना हैप्पी बर्थडे जरूर लिखना। तो यमुना और कन्या तो चली गई है बर्थडे मनाने। यहाँ पर दादी ले जा रही है ऊपर लकड़ी जो ना धूप में सुखाने डाल रखी थी, यानी कि थोड़ा बहुत तो लेके चली गई है, अभी ना थोड़ा बच रखी है। और जो ना घास भी डाल रखा था वो भी ना गौशाला में डाल दिया है। और यहाँ पर ना गंगा ने श्याम की चाय बना दी है। कहाँ है तेरी चाय, थोड़ा सा देना मेरे को। सबसे ज्यादा गुस्सा आता मुझे इस जुकाम देख के, उतनी ज्यादा ना बुखार में नहीं बीतती है जितनी ना जुकाम में बीत रही, क्या ही बताना। यहाँ पर ना माँ भी आ गई है घास की बाहर लेके। तो चलिए दोस्तों अभी ना मेरे यहाँ से जाने की तैयारी भी होने लग गई है, माँ और गंगा जा रही है भैंस लेने, वो ना देर में आएंगे। तो ठीक है ना, ठीक भाई ठीक है। वाह कर तो चलिए दोस्तों मैं ना जाने भी लग गई हूँ, और मेरे को ना बहुत ज्यादा याद आ रही, क्या ही बता लो। दादी जी ना अभी इतनी ज्यादा रोई, क्या ही बताना, और मेरे को बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, तो क्या करना, जाना कोई पड़ेगा। क्योंकि इस टाइम पर ना मैं ज्यादा दादी जी के साथ रही हूँ, तो थोड़ा ना अजीब सा लगता ही है जब ना कोई अपने घर से चला जाता है। और मैं माँ और गंगा से ना इसी कारण से पहली आ गई हूँ, क्योंकि वो देर में आएंगे, तब तक ना आधा रात भी हो जाएगी, तो मैंने सोचा है कि पहले ही चली जाती हूँ।